राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में ओलंपिक गेम्स के लिए टैग सुडू खेल का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहां एक ओर मुख्य अतिथि के तौर पर सत्यवाल पहलवान पहुंचे, वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में बच्चों ने इस खेल में हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 स्थित प्रतीक्षा पब्लिक स्कूल में टैग सुडू खेल का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 600 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बच्चों का कहना है कि इस बार हम ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल लाएंगे। साथ ही इस शुभारंभ में महाबली पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित सतपाल सिंह पहलवान ने बताया, मुझे बड़ी खुशी होती है जब भारत का कोई भी खिलाड़ी भारत के लिए मेडल जीत के लाता है तो मेरा और सभी देशवासियों का सीना गर्व से फूल जाता है। साथ ही साथ गुरुमंत्र देते हुए बताया कि अगर आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो आप जीवन में एक गोल बनाइए और लगातार उस पर मेहनत कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे। जब हम गोल्ड मेडल जीतते थे तो देश की तिरंगा झंडा राष्ट्रीय धुन बजती थी, तो इतना चौड़ा सीना हो जाता है, और क्या चाहिए। ओलंपिक दिल्ली के प्रेसिडेंट कुलदीप वत्स ने बताया कि एक ओर दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम देने से इनकार करती है, अगर दिया भी तो उसका किराया वसूल करती है। सब झूठे वादे हैं, इनके झूठे दावे हैं, कुछ नहीं है, स्टेडियम्स का पैसा ले रहे, शर्म की बात है। अगर खेल को लेकर दिल्ली सरकार का ये रवैया ऐसा ही रहा तो दिल्ली में खेल का स्तर और भी गिर जाए। फिलहाल कुलदीप वत्स का कहना है कि दिल्ली सरकार मदद करे या ना करे, हम ये खेल कराएंगे, और बताया कि विजेताओं को 2 करोड़ इनाम राशि भी देंगे, चाहे हम कहीं से भी दें। 2 करोड़ हम प्लेयरों को देंगे, कैश प्राइज देंगे। साथ ही साथ महाबली सतपाल जी ने टैग सुडू स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिल्ली ओलंपिक में शामिल होने पर बधाई दी, व साथ ही साथ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, वो आने वाले प्रतियोगिता के लिए बधाई भी दी।